चिकन लॉलीपॉप तो भैया देख रहे हो ना, मंगाना जरूर। क्वालिटी के हिसाब से रेट जेन्युइन है। ये है सीक्रेट मसाला और उसके ऊपर से एक केचप वगैरह है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो माय चैनल भूखा ट्रैवलर। अब समस्तीपुर के स्ट्रीट फूड को ट्राई करने के बाद अब बारी थी यहाँ के कुछ फास्ट फूड को डिस्कवर करने की और उसे टेस्ट करने की। तो भैया बात ऐसा है कि फास्ट फूड के बारे में हम लोगों से पता किए तो यहाँ पता चला कि एक बंगाली टोला जो रोड है यहाँ पे संगीता फास्ट फूड करके कॉर्नर है, जहाँ पे आप सारे वेराइटी ऑफ फास्ट फूड को ट्राई कर सकते हो। एग रोल हो जाए, चिकन चिली हो जाए, चिकन रोल हो जाए, मतलब पता नहीं क्या क्या। भैया चलिए चलते हैं अंदर, करते हैं वेराइटी ऑफ फास्ट फूड को टेस्ट और बताते हैं आपको क्या कुछ खास लजीजियत है इनके फास्ट फूड में। जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके संगीता फास्ट फूड के ओनर सो कॉल उस्ताद जी, क्योंकि वो यहाँ पे मतलब फास्ट फूड वगैरह भी खुद बनाते हैं, खुद सर्व करते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लजीजियत के बारे में। उस्ताद जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम आकाश चौधरी है। अच्छा, मतलब कितने दिन से है यहाँ पे दुकान? मतलब ये टोटल 8 साल से है। अच्छा, 8 साल से मतलब लगातार है आप फास्ट फूड वगैरह बनाते हैं। क्या क्या मिलता है यहाँ फास्ट फूड वगैरह? यहाँ पे ऑल आइटम, जैसे कि चाइनीज का ऑल आइटम, इंडियन ऑल आइटम, तंदूरी ऑल आइटम, फास्ट फूड में जो चाहिए सब ऑल आइटम। जी सर, मतलब और जो बात करें, ऐसे तो समस्तीपुर की बात कर लो तो मतलब बहुत सारे ऐसे चौक है जहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसे फास्ट फूड, फिर भी लोग जैसा देख पा रहा हूँ लोग काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी चाव से खा रहे हैं। क्या कुछ खासा रीजन हो सकता है? एक तो व्यवहार है अपना जी जी मार्केट में। हाँ। और प्लस क्वालिटी के हिसाब से रेट जेन्युइन है। जी हाँ दोस्तों, संगीता फास्ट फूड के एक और को उस्ताद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अभी शायद एग रोल बना रहे हैं। भैया क्या बना रहे हो आप? अच्छा, एग रोल मतलब सिंपल है, एक वाला है या फिर चिकन वाला है? एक चिकन, दोनों है। एक चिकन दोनों है, जैसा ऑर्डर आता है पनीर भी रहता है, वेज भी रहता है, मिक्स रोल। ये जो एग रोल जो आप बना रहे हो काफी अलग लग रहा है, क्या क्या इंटीग्रेशन होता है, क्या क्या कुछ डालते हो इसके अंदर? कुछ अपना पर्सनल रहता है जो हम बता नहीं सकते। अच्छा, वो मसाला कुछ पर्सनल है आपका, सीक्रेट? देख लो, यहाँ सीक्रेट मसाले जो यहाँ पे डाला जा रहा है इंटीग्रेशन में। ये नॉन वेज के लिए है ना भैया? वो नॉन वेज के लिए है, वो चिकन के लिए है, एंड ये वेज के लिए है। एंड ये देख लो, इसे तैयार किया जा रहा है एग रोल को, वेज और नॉन वेज दोनों। ये है सीक्रेट मसाला और उसके ऊपर से एक केचप वगैरह है, चाट मसाला वगैरह हो गया। तो काफ़ी यूनिक तरीका है इनका बनाने का, और सबसे मेन चीज़ जो इसे यूनिक बनाता है यहाँ का वो है इनका इंटीग्रेशन, जो कि ये वेज के लिए है और वो नॉन वेज के लिए है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब यहाँ के कुछ कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास लजीजियत है यहाँ के फास्ट फूड के बारे में। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अश्वनी कुमार है। अच्छा, और आपका भैया? मेरा नाम गणेश कुमार है। अच्छा, मतलब आप लोग लोकल ही हैं या फिर मतलब कहीं दूर से आए खाने के? लोकल हैं, तो अक्सर आते रहते होंगे? हाँ, अक्सर आते रहते हैं। तो मतलब क्या कुछ खासा टेस्ट है? टेस्ट तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत। हाँ, मतलब ऐसे तो समस्तीपुर की बात करें तो बहुत से गली चौराहे हैं जहाँ आपको फास्ट फूड के नाम पे मतलब एग रोल वगैरह मिल जाती है, फिर भी अगर लोगों की माने तो यहाँ आना काफ़ी पसंद करते हैं। क्या कुछ खासा रीजन है ऐसा? यहाँ पे एग रोल मतलब अच्छा टेस्टी रहता है थोड़ा। अच्छा, और यहाँ के मेंबर्स भी अच्छे हैं, अच्छे से सर्व करते हैं, मतलब कस्टमर का साथ जो बिहेवियर होगा वो भी वो अच्छा है, इसीलिए। प्राइसिंग की बात करें तो क्या क्या? प्राइसिंग भी वेल है, गुड है, अच्छा है। हाँ, मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिटी भी अकॉर्डिंग अच्छा है। और बाकी बताओ, मतलब एक टेस्ट को रेटिंग देना हो यहाँ के फूड को, 5 स्टार में कितना रेटिंग दोगे आप? 4.9। हाँ, जितना हम खाए हैं, डेली आते रहते हैं हम भी। थैंक यू भाई। उस्ताद जी, हमें आप क्या खिला रहे हैं? हम आपको बोन चिल्ली, चिकन चिल्ली आप खाते हैं? हाँ हाँ हाँ, नॉनवेज पूरा, बोनलेस स्पेशल हो संगीता का? खाते हैं या बोन चिकन में? सब चीज, सब कुछ। तो मैं, हम आपको बोनलेस बनाते हैं। अच्छा, चिकन चिल्ली बोनलेस? बोनलेस और पराठा। जी हाँ, यहाँ का जो फेमस है। जी हाँ, तो उस्ताद जी ने बोला कि संगीता फास्ट फूड का जो फेमस है चिकन चिल्ली बोनलेस और पराठा, वो लगवा रहे हैं। चलिए अब हम भी करते हैं, मिलते हैं आपके साथ टेबल पे इस लजीजियत स्वाद के साथ। जी हाँ दोस्तों, आकाश भैया हमारा जो है चिकन बोनलेस बना रहे हैं, साथ में बोन भी मिक्स रहेगा कुछ, क्योंकि हम दोनों खाते हैं। एंड चलिए दिखाते हैं वो क्या कुछ खास तरीके से बनाते हैं यहाँ पे चिकन चिली को। और ये डल गया अपना प्याज, बोलते हैं ना आग लगा दी, वैसे आग लगा लगा के पका रहे हैं एकदम। ये आ गया अपना शिमला मिर्च। तो भैया भेजी भी होने वाला है, ऐसा नहीं सिर्फ सॉस में आपका चिली बनेगा, थोड़ा भेजी भी होता है। ऊपर से जो डाला है भैया लॉलीपॉप, ये हो गए इनके सारे मसाले, चिकन चिली पराठा और उसके साथ जो सैलेड वगैरह है सब कुछ तैयार है। चलिए खाते हैं और बताते हैं टेबल पर वो क्या कुछ खास लजीजियत है। जैसे देखने में तो काफ़ी ज़्यादा लजीज लग रहा है।
और ट्रस्ट मी गाइस, जितना लजीज है देखने में लग रहा था उससे कई ज़्यादा लजीज है खाने में भी है, बहुत ही उम्दा। बात करो भैया ने इंटीग्रेशन डाला इसमें सॉस वगैरह का, काफ़ी बैलेंस है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा पूरा चिली टोमेटो सब भर दिया, नहीं वेजी है, टेस्टी है, हल्का हल्का स्पाइसी है जो कि इसमें चार चांद लगा रहा है। ये दोस्तों बाकी सब तो है ही है, भैया ने जो चिकन लॉलीपॉप दिया है ना वो देखो बीस्ट है, बीस्ट क्या ही सुंदर लग रहा है, चलो खाते हैं। ऊपर से भी ऊपर यार, एक नंबर। जय दोस्तों, तो यहाँ अपना खाना हो चुका है ख़त्म एंड इन शॉर्ट आपको मैं कंक्लूजन बताऊँगा खाने के बारे में, आप बहुत ही बजट में यहाँ पे पेट भर के खा सकते हो, वो भी नॉन वेज, मतलब भैया का जो एक लॉलीपॉप है बस आप एक लॉलीपॉप और एक पराठा भी खा लोगे तो शायद कुछ और खाने का मन करे, साथ ही साथ जो यहाँ एग रोल इनका आता है डबल एग के साथ वो तो भैया बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक बार खा लो तो दो तीन दिन नहीं खाओ तो भी चलेगा। जी दोस्तों, साथ ही साथ आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो स्विगी पे, मतलब आप जैसे संगीता फास्ट फूड डालोगे समस्तीपुर में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो बाय ऑर्डर भी मंगा सकते हो। वैसे शाम के टाइम अगर आ रहे हो तो बैठ के भी खा सकते हो, हालांकि भीड़ काफ़ी रहता है। तो बाकी चलो करते हैं अपनी वीडियो कहीं पे ख़त्म, और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल का सपोर्ट करके लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो अपने टाइमलाइन पे शेयर करो एंड मुझे भी टैग करो हो सके तो। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा।